हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विजीन गैलरी में। गणेश चतुर्थी स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं मावा पेठा मोदक। ये मोदक खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। तो आइए हम देखते हैं इसे हम किस तरीके से बना के तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। तो मेजरिंग कप से नाप कर 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे और सेम मेजरिंग कप से नाप कर डालेंगे 1/2 कप दूध, यानी कि जितना मिल्क पाउडर लेना है उसका जस्ट 1/2 दूध लेना है। 2 से 3 चम्मच शक्कर डाल देंगे, 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें शक्कर को स्किप कर सकते हैं या शक्कर की मात्रा स्वाद अनुसार आप कम कर सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। ज़रूरत के अनुसार इसमें हम और भी देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और अब इसे हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता और पैन से अलग ना हो जाए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इसका मावा बना के तैयार करना है। इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। ध्यान रहे ये नीचे से बिल्कुल भी पकड़ना नहीं चाहिए वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। साथ ही डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी और वापस से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। तो इसे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने लो ही रखी है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा। आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं पर इससे अच्छा टेस्ट आता है। मिला लेते हैं इसे। तो ये अब अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है वरना ये हार्ड हो जाएगा। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इसे अच्छे से फैला देंगे और रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने पेठा। पेठा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो पेठे को हमें कद्दूकस कर लेना है। ध्यान रहे आपको पेठा ताज़ा लेना है, सूखा हुआ पेठा बिल्कुल ना लें। पेठे को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पेठे को कद्दूकस कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अनुसार इसमें ले सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल देंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा केसर का पानी डालेंगे अच्छे से कलर और टेस्ट के लिए। मिला लेते हैं इसे अच्छे से। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मावा जिसे हमने बना के तैयार किया है। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी बन के तैयार है और मावा भी हमारा रेडी है। तो अब हम चलते हैं फाइनल मोदक बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मोदक बनाने का सांचा लिया है। सांचे को हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मोदक का शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सांचे का इस्तेमाल किया है। सांचे को घी से ग्रीस कर लेते हैं और अब थोड़ा सा मावे का पोर्शन इसमें डालेंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से इसमें प्रेस करेंगे। इसे इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से फिल करेंगे और बीच में इसमें गैप होना चाहिए क्योंकि इसमें हमें स्टफिंग भरनी है जो हमने तैयार की है। देखिए इस तरीके से
तो तैर की हुई स्टफिंग इसके अंदर भर देना है हमें अच्छे से। स्टफिंग को भी अच्छे से फिल करेंगे इसमें। अब वापस से थोड़े से मावा से इसे कवर कर लेंगे जिससे कि स्टफिंग बाहर नहीं निकले। अच्छे से प्रेस करते हुए तो ये देखिए हमारा एक मुद्दा बन के तैयार है। इसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कितना बढ़िया शेप आया है मुद्दा का, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी मुद्दा भी तैयार करेंगे। जितनी बार मुद्दा बनाएंगे सांचे को घी से ग्रीस कर लेंगे और सेम पहले के तरीके से मावे का पोर्शन लेंगे, इसमें अच्छे से प्रेस करते हुए बीच में होल करेंगे और तैयार की हुई स्टफिंग इसके सेंटर में भर देंगे। वापस से मावे से इसे कवर कर लेंगे इस तरीके से। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे मोदक बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारे ये भी मोदक बन के तैयार है। तो सारे मोदक बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं। थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। और अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे पिस्ता या फिर आप इसके ऊपर से केसर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केसर लगाया है, केसर का पानी लगाया है और साथ ही थोड़ी केसर डाल दी है। इसे देखने में और भी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा केसर का पानी भी डाल देंगे। तो ये हमारा मावा पेठा मुद्दा बनके तैयार है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लेते हैं सर्विंग प्लेट और मुद्दा को इसमें हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मुद्दा को सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स मावा पेठा मुद्दा बन के तैयार है। मुद्दा बहुत ही स्वादिष्ट बना है, इसे आप एक बार बना के जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ।